वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जो है बहुत टाइम बाद मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ, और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शुभ संकेत चले गए हैं स्कूल। क्योंकि जब वो लोग घर पे रहते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते, इतना परेशान करते हैं ना दोनों के दोनों कि मैं बता नहीं सकती जो है। तो उनके साथ तो अगर मतलब सोच लो ना कि हाँ कोई काम करना है, तो मतलब ये सोच लो कि वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब कल तक ना मेरा घर ऐसा हो रखा था कि मैं बता नहीं सकती सुबह से ही। मतलब एक चीज़ रखो तो वो दूसरी चीज़ निकाल के सामने रख देते हैं, और मतलब यहाँ से ये उठा रही हूँ तो वहाँ पर जो है जो मैंने उठा के रखा है थोड़ी देर में वो भी मुझे बाहर ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं दोनों के दोनों। सबसे ज़्यादा शुभ परेशान करता है संकेत से ज़्यादा। लोगों को सबको लगता है कि संकेत नॉटी है, बट संकेत वैसे नॉटी है, लेकिन संकेत वैसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो बेचारा एक जगह बैठा रहता है। और शुभ शुभ की तो बात ही मत करो, पूरे दिन भाई साहब के कपड़े चेंज होते हैं पूरे दिन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ ना जितने भी कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए, उसमें सारे शुभ के कपड़े हैं, संकेत के तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं। और आज जो है ना, मैं मशीन में ये टब क्लीन कर रही थी इसका, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है करना। और हमारी मशीन जब से आई थी ना, तब से मतलब ना ये हो ही नहीं पा रहा था प्रोसेस इसका। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब बहुत टाइम हो गया, और वैसे भी ये महीने में एक बार करना होता है। मेरे को तो मुझे लग रहा है 2 महीने हो गए होंगे, और आज मैं पहली बार कर रही हूँ। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े वगैरह रखे हुए थे धुलने के लिए, मैंने कहा पहले ये टब क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं इनके कपड़े धोऊँगी। फुल ऑटोमेटिक मशीन जिसके भी पास है ना, तो आप एक बार देख लें, मतलब ये टब क्लीन वाला जो प्रोसेस होता है ना, इसको ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, तो मशीन में आगे दिक्कत आती ही आती है। क्योंकि इससे क्या है ना, पूरी मशीन की क्लीनिंग हो जाती है। तो ये मतलब सही है ये वाला, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। सो उसके बाद ना बस मैं यहाँ पर लग गई थी थोड़ा अपने बैग वगैरह देखने के लिए, और मतलब मुझे थोड़ा सा देखना था अभी इनके लिए भी निकालना है सामान, और शुभ संकेत का भी निकालना था थोड़ा सा, विंटर के क्लोथ्स वगैरह निकालने। और पता नहीं क्या बात है ना, जब जो चीज़ चाहिए होती है ना वो मिलती नहीं है। मेरे साथ बस वही हो रहा था, जो बैग मुझे चाहिए था ना वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। क्या था कि पहले ना मेरा ये बैग के अंदर ये सब बैग वगैरह ये बिल्कुल नहीं रहते थे, सब अलमीरा में रहते थे। बट अभी क्या है कि अलमीरा में इतना स्पेस है नहीं, तो सब जो है बैड के अंदर ही रखा हुआ है सारा, सब ऐसे ही। और ये बैग मैं चेक कर रही थी क्योंकि अभी मुझे आगे की भी तैयारी करनी थी कि समर के क्लोथ्स कहाँ जाएंगे, विंटर के कहाँ रखने हैं। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है ना कि मुझे जब जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही होती। और वैसे तो ये मेरे साथ नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के साथ होता होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कमरे का क्या हाल हो गया। मतलब इतने सारे मैंने बैग निकाल दिए, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है। मुझे चाहिए थी शुभ संकेत की विंटर ड्रेस। मतलब विंटर ड्रेस तो मुझे ऑलमोस्ट इनकी मिल चुकी है, जैकेट भी मिल गया, लोअर मिल गया, एक टी शर्ट भी मिल गई है, बट एक टी शर्ट ना मुझे नहीं मिल रही। और मैं पूरा श्योर हूँ कि मैंने मतलब परचेज तो मैंने करी थी, मैं लेके आई थी टी शर्ट इनके लिए, क्योंकि शुभ के पास थी बट संकेत के पास नहीं थी। संकेत जब फर्स्ट में मॉन्ट में इनकी अलग होती है, फिर जब बच्चे फर्स्ट में जाते हैं तो इनकी ड्रेस चेंज हो जाती है स्कूल की, तो मैं उस टाइम पे संकेत के लिए भी लेकर आई थी। लेकिन मुझे शुभ की टी शर्ट मिल रही है, संकेत की टी शर्ट मुझे कहीं नहीं दिख रही। और अब मैं इतना परेशान हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दी कहाँ रख दी। और उसके चक्कर में ना मेरे सारे बैग निकल चुके हैं। और दूसरा काम मुझे इसके पापा ने दिया था, वो कह रहे थे देहरादून में ठंड होने लग गई है, तो इसलिए जो है मेरे सारे विंटर क्लोथ्स जो है अब इस बार तुम निकाल के रख देना। और हाँ, मुझे उनके भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। क्योंकि जब हमारी अलमीरा का काम हुआ था ना, तो उस टाइम पर जो है हमारा बहुत सारा सामान, पता नहीं हमने कैसे, बस हमें ये था कि बस हमें सामान सेट करना है, तो हमने सामान सेट किया था। क्योंकि इतनी बड़ी अलमीरा थी, पूरी दीवार पे थी वो, उसमें काफ़ी सामान आया हुआ था। और नी भी 40 से 50 किलो सामान तो मेरा घर के बाहर गया है। मतलब ये लगा लो वो सारा वेस्ट था जो हम लोगों ने बाहर डाला था, मतलब वो डिस्पोज कर दिया था पूरा सामान। उसके बावजूद हमारे इतना मतलब सामान हो गया था, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे भी हैं और इनके भी हैं। अब 3 लोगों के आप लगा लो कि इतना सामान हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर ही हमारे कपड़े रखे हुए, दूसरी वाली अलमीरा में भी हमारे ही रहते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी पापा की पूरी अलमीरा जो है ना, जो पापा की पहले थी आयरन वाली, तो उसमें जो है अब हमारे ही, मेरे बच्चों के और इनके कपड़े पड़े हुए हैं। और पापा के जो कपड़े हैं वो मम्मी की अलमीरा में रखे हुए हैं पापा ने अपने, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशियस है, बड़ी अलमीरा है, तो पापा ने बोला मैं वहाँ पर अपना सामान रख लूँगा जो है। और अब उस इतना मतलब होने के बावजूद अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा मैंने सामान रखा है तो रखा गया है, मुझे सामान मिल ही नहीं रहा है। और अब मुझे पता है कि मैंने डांट तो पक्की खा रही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे का हाल। देखिए गाइस, तो क्या मेरे कमरे का हाल हो रखा है। और अभी सुबह मैंने सब साफ सुफ करके रखा हुआ था, और मुझे अभी इनमें कहीं नहीं मिल रहा, बस मुझे थोड़े बहुत अपने कपड़े मिले। लेकिन अभी मैं अपने कपड़े निकालना नहीं चाहती, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और अभी इतनी ठंड नहीं हो रही है, विंटर वाले क्लोथ सभी निकाल के रखे जाए। तो अभी मुझे बस इनके और बच्चों के कपड़े चाहिए थे। तो बच्चों के भी कपड़े मैं बहुत सारे निकाल चुकी हूँ, लेकिन अभी कुछ कपड़े रह गए हैं। मेन मुझे स्कूल वाली टी शर्ट की
टेंशन हो रही है। एक टी शर्ट तो ये रही है तो मुझे पता है इनकी जो है, लेकिन अभी दूसरी टी शर्ट जो है ना वो मुझे मिल नहीं रही है। अब मैं उसी को भी ढूंढ रही हूँ जो है। और वैसे तो मुझे इनके लिए एक एक जोड़ियाँ परचेज़ भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटी हो गई है। सो आगे देखते हैं, अभी और बैग खोल खोल के देखती हूँ कहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है।